भूमंडीकरण इंसान को, देश को, महाद्वीपों को डुबाने वाला महासमुद्र है। हम अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। हाउ कैन यू बाय एंड सेल द स्काई, वार्मथ ऑफ द लैंड? द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस। इफ यू डू नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ एयर एंड द स्पार्कल ऑफ वाटर, हाउ कैन यू बाय देम फ्रॉम अस? द अर्थ डजंट बिलोंग टू मैन, मैन बिलोंग्स टू द अर्थ। पुकारे सबका मन ये पुकारे, ले 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 मजा ले ले, ना ये क्षमा बीते दिल की रिदम सुनो, ले 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 दिल की रिदम सुनो, दिल की रिदम सुनो। गोरिया तू ही तो है छाई मुझमें, गोरिया तू ही दिल में, गोरिया तू ही तो है मेरे मन में, गोरिया तू ही मेरी। जो भी चाहे तू वो कर ले, फिकर सारी छोड़ भी दे, चाहे जो तू दिल से कर ले, यही तो मंत्र है रे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमेशा जिन सात अजूबों के बारे में बात किया जाता है उसके अलावा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ऐसा और एक अजूबा है। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को सैकड़ों वर्षों से अज्ञात बंधन को बनाए रखा है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी मान्यताएं, सबकी एकता को बनाए रखने वाली माननीय श्रीमती सत्यभामा को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। ये पानी एक अद्भुत रचना है। आकाश से बूंद बूंद गिरकर नदी बनती है, नदी तालाब बनकर महासमुद्र बनती है, और वो भाप बनकर बरसते हैं। मेहनत करके वही पानी पसीना बनता है, और यही पसीना जीवन में खुशियां भी लाता है, और अगर मन दुखी हुआ तो आंसू भी बनता है। खूबसूरत लड़की ने अगर दिल तोड़ दिया, दिल टूट गया तो एक कविता बनती है। इस सीख का और तुम युवकों का बहुत करीबी संबंध है। बूंद बूंद से जैसे महासमुद्र बनता है, उसी तरह तुम सब मिल जाओ तो एक शक्ति का स्वरूप बनोगे। तुम जैसे युवक के बारे में बाहर का समाज क्या सोचता है पता है तुम्हें? मुझे पता था जैसे ही मैं सवाल पूछूंगी तुम्हारे चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ दृश्य लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। यूथ, अपने स्वार्थ को छोड़कर उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नो व्यूज। ओहो, नवयुवक हैं क्या? नोट बांटने वाले वही और वोट देने वाले भी वही। अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते भाई? थोड़ी गाली ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, बॉक्स ऑफिस तबाह हो जाएगा। यूथ इज सुपर। एक समय में मेरे पीछे पड़ते थे, अभी मेरी बेटी के पीछे पड़ रहे हैं। मैं तो बॉडी गार्ड बन के रह गई हूँ। पब इज यूथ, यूथ इज पब। वीकेंड हाई वोल्टेज, ये इन लोगों को यहाँ शांति से रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जलसा बन गया है इनका। अब तुम सभी लोग अपने पैरों से नीचे टैप करो। यही मार्च अगर एक ब्रिज पर करोगे तो तुम्हारी गूंज के कारण, मतलब वही रेजोनेंस, वो ब्रिज टूट जाएगा इस ग्लास की तरह। तो तुम्हारी शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, किसके लिए इस्तेमाल करनी है, किसके लिए जीना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये अनुभव लेने वाले हमारे कुछ युवकों के बारे में क्या तुम लोग जानना चाहोगे? Yes! Yes!
तो तुम्हें कुछ साल पीछे जाना होगा। धरती बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी उस समय, जैसे धरती के दामों को पंख लग गए थे और उस पंख के साथ साथ शेयर मार्केट भी ऊपर उठ गया था। वीकेंड पार्टीज, ओवर कमिटमेंट्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, सिर्फ यही नहीं, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी उस समय। पापा, मारुति बेच के स्कोडा ले लिया, खेत बाद में खरीद लेंगे पापा, पहले सॉफ्टवेयर रेंजर पर आना होगा, समझ गए ना पापा? बेटी, लड़का देख लिया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सॉफ्टवेयर जॉब है। हर लड़की के पिता को यही आशा थी कि उसका दामाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। बैंक में काम करने वाला क्यों चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखते हैं ना, तनख्वाह 50 लाख होना चाहिए। उस हाई टेक शहर में आम आदमी की कीमत मिट्टी जैसी हो गई थी। वो जूस नहीं पीते हैं, ये सॉफ्टवेयर वाले हमारे पास से नहीं खरीदते हैं, इसे शीशे में रख के एसी में रख के रेट लिखना पड़ता है। आईटी फील्ड में कोई प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा कहने वाले लड़के रेस के घोड़े की तरह भाग रहे थे। हमारे श्रीरामपुर के गांव वालों, इलेक्शन के समय पर हमारे एमएलए श्री तुमापति प्रकाश राव और हमारे गांव में आने वाले गुलुपू पार्टी के लीडर सुलभा चिन्ना का स्वागत है। अभी अच्छा। मैं श्री सुलभा चिन्ना राव को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्यों रे, मैटनी शुरू हो गई क्या? पांडे जी, श्रीनिवास राव जैसा महान बेटा हमें देकर गए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम खुश नसीब हैं। इतने महान बेटे को इस ZPTC इलेक्शन में खड़े रहने के लिए पार्टी की तरफ से इनवाइट किया है। उसने चाटा मारा। इस बात की पार्टी को बहुत खुशी है। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, उसमें पैदा होके बड़े होने वाले ही है ना। श्री सूर्य राव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ये श्रीरामपुरम की जनता को देखते हुए मुझे दया आ रही है। पिछले सरपंच के इलेक्शन में हमारी पार्टी कैंडिडेट के बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामा राजू के जीतने की वजह से है। इस गांव को मिलने वाले सेंट्रल फंड्स, स्टेट फंड्स और तो और डिस्ट्रिक्ट फंड्स भी पूरा खत्म हो गया। वैसे भी किसी पार्टी में न रहते हुए बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के सरपंच बनकर इस गाँव के लिए उसने क्या किया? इस श्रीरामपुरम के लिए ऐसे निकम्मे इंसान की जरूरत है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं निकम्मा ही हूँ। इस गांव के तालाब को साफ करने को कहा जिससे 500 एकड़ की जमीन में फसल हो सकती है। चप्पल पहन के घूम घूम के थक कर आखिर में ये निकम्मा ही पूरे गांव वालों के साथ मिलकर इस तालाब को साफ किया, तब जा करके हम 500 एकड़ पर फसल उगा पाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो काम सरकार को करना चाहिए वो मासूम जनता के हाथों से करवा रहे हो। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत बोला, ऐसे लोगों को निकम्मा ही बोलते हैं। तो ए लच्छू, लच्छू रुक, लच्छू रुक, मारूंगा नहीं तुझे, छोड़ दो मुझे, ये मारोगे मैं इसकी जान ले लूंगा, रुक इधर आ, छोड़ो मुझे, निकम्मा कहना चाहता है। क्या जाने का तू? कुछ भी कहो पर हमारे एमएलए के लिए लच्छू ठीक है। मेरा अपने बेटे का फोन है मैम साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम मत बुला, बूढ़ी को माँ बुला रहा है ऐसा लग रहा है। कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के की तरह मम्मी कह के करेस्ट बुलाना। करेस्ट नहीं, करेक्ट। जो भी हो, वैसे मेरा बेटा क्यू में है। क्यू में नहीं, लाइन पर है। यू शट अप जी, ये बात तो करेक्ट बोलती हो तुम। बताया मैं कहाँ हूँ? बॉम्बे में है। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं भी वहीं हूँ। ये है क्या? मम्मी, अरे 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 रे मेरा बच्चा, अब तक बॉम्बे से टॉकिंग कर रहा था, अब अप्पो। हाय अप्पो बेटे, कैसे हो तुम? अप्पो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक सरप्राइज देने आया हूँ। कल कौन सा त्योहार है? शिवरात्रि, वो त्योहार के लिए आया है क्या? एक बार तुम्हें तुम्हारा बर्थडे कब है पूछा था तो मेरे पेरेंट्स ने लिख कर नहीं रखा है, शिवरात्रि के एक दिन पहले पैदा हुई थी ऐसा कहा था ना। सो आज आपका बर्थडे है मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। आसपास के गांव में किसी भी माँ के लिए किसी भी बेटे ने जितनी ग्रैंड पार्टी नहीं की होगी ना, उतनी ग्रैंड पार्टी देकर मैं लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। तो बज गया इसका बैंड। मेरे बेटे को मुझसे कितना प्यार है। अरे चाचू, लूट लेगा। ये क्या हो गया भतीजे, इलेक्शन में तो नहीं घूम रहे थे? माँ का बर्थडे है ना, कैश है। कैश है क्या? तो फिर मुझे दे दो, वो ग्रैंड पार्टी मैं देख लूंगा। नकली नोट तो नहीं है ना? अब देखना मम्मी का बर्थडे कैसे मनाता हूँ, पड़ोस का जिला भी हिल जाएगा, आसपास के लोग भी देखते रहेंगे। और 3 महीने चले जाते तो नौकरी परमानेंट हो जाती। तुमने एमएलए को मारा,
उसका साला ही तुम्हारी फैक्ट्री का ऑनर है, वो अब तुम्हें नौकरी पर रखेगा क्या? नौकरी? मुझे नौकरी की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती। उससे बहस करना बेकार है, जो जी मैं करो। अंकल, अरे सॉफ्टवेयर, तू कब आया? अरे अप्पराव, कैसे हो? ए, अप्पो। ए, क्या यार अंकल को इरिटेट करता है, इस गंदे पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना? वो सब तो ठीक है, आज मम्मी का बर्थडे है, शाम को ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ। अरे चाची आइए ना, बैठिए बैठिए। कैसे हो? लीजिए ना, प्लीज लीजिए। अभी नहीं चाहिए। अरे वो सब भी ले रहे हैं, आप लीजिए ना, प्लीज लीजिए ना। ये लच्छू शारदा माँ की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? अरे बर्थडे का थैंक यू जी, थैंक यू बर्थडे का, उनको दे रही हूँ। हेलो, कौन है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, लगता है इसको थैंक यू कह रही है। अरे शट अप जी, केक तो काटो। देखो भाई, ये माँ की बर्थडे पार्टी इतने शानदार तरीके से मना रहे हैं ना। सब सॉफ्टवेयर की माया है बेटा। कौन हो यार तुम लोग? सॉफ्टवेयर सर, आपका डिमांड ऐसा ही है ना? पर्सनल लोन सर, इंटरेस्ट बहुत कम है। लोन का मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट कम ही होगा। क्रेडिट कार्ड सर, ये कार्ड अगर आपके पास होगा तो 45 दिनों तक आपको अमाउंट देने की जरूरत ही नहीं है। वही कार्ड अगर तेरे पास होता ना तो लाइफ लॉन्ग मुझे भरने की जरूरत नहीं। सर, इस फ्लैट के ओनर हो या रेंट पे? ओनर ओन पे रहता है, हम रेंट पे रहते हैं। हेलो त्रिमूर्ति, वहाँ तुम्हारा कुछ वर्कआउट नहीं होगा। कमॉन कमॉन, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है। ओके ब्रदर्स, तुम क्या हो? मेरे लिए क्या है? हे सूर्या, हाय लच्छू, इतना सामान था तो फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन पे आ जाता यार। अरे ज्यादा लगेज कहाँ है? अच्छा सुन, तूने इतनी मदद की इसीलिए जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। उन्होंने कहा है कि ये पहले मैं तुझे दूँ, आराम से खाना। ओके, और ये भेजा है तेरे लिए भाभी ने, इसमें मिठाई है, जी भर कर खाना। मुझे बस जॉब चाहिए यार, तू अपने लेवल पे ट्राई कर और मैं अपने लेवल पे ट्राई करता हूं। जो बता रहे हो बिल्कुल गलत है, सेट हो जाएगा। इसके मुंह मेरे लिए तो बताओ। ये लीजिए, ये है क्या? ये लो, आवर कमिटमेंट्स। हु इज दिस सूरी? हे, ये हमारा लच्छू है यार। हाय लच्छू, ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? थोड़ा दूर से बात करो। वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, मेरी इमेजिनेशन को आपने पूरा तोड़ के रख दिया। व्हाट हैपेंड? मैंने क्या कर दिया? किसी बड़ी हिंदी फिल्म के सुपरस्टार की तरह आपका लुक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आप बिल्कुल कार्टून के कैरेक्टर लग रहे हैं। दिस इज टू मच लच्छू, तेरी तरह लंबा होता तो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत प्रॉब्लम होती। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी है क्या? ए, तो इसे कम मत समझ। हाँ, ऑफिस में इसके पीछे लड़कियाँ ना पागलों की तरह घूमती है। ऐसी बात है क्या? इसकी भी वैरायटी है क्या? रे, ऑफिस में लड़कियाँ इसके लिए ऑक्शन करती है क्या? पत्ते नहीं है ये, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, ये है तो काफी है, गर्ल्स डेबिट। अच्छा? हो जाती है। hey, किचन में ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, खा लेना। और कुकर में चावल भी है। ठीक है, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहीं घूमने चलेंगे। वन थिंग मिस्टर सॉफ्टवेयर, डायमंड कॉलोनी जाना होगा तो कौन सी बस पकड़नी है? तू हैदराबाद में आया नौकरी के लिए ना, या शारदा से मिलने के लिए? तू अपना काम कर। भैया, इस गन में कितनी गोलियां होती हैं? खरीदोगे नहीं लेकिन अपना काम। अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। देखो भाई, तुम्हारे जैसे रोज 30 लोगों को देखता हूँ। वो देखो, वो ब्लू शर्ट वाली लड़की दिख रही है ना, उसके सामने मत देखना, उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बगल में जो लड़की आ रही है ना, उसको बिल्कुल मत देखना, चप्पल से मारती है। अच्छा, उन दोनों के बीच में जो कोट पहनी हुई लड़की है ना, उसको बिल्कुल मत देखना, वो किसी को भाव नहीं देती यार। पर ऐसा क्यों? वो लड़की चली गई। हाय लच्छू। हाँ, हे शारदा, तुम यहाँ पर कैसे? मेरा ऑफिस यही है। ओहो, तुम कब आए? एक घंटे से यही है। ए, चुप, मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया है। मेरे रूम पर चलो ना, यही है। ठीक है चलो। ए, फुग्गे का पैसा? हाँ, ये ले। लड़की बगल में आ गई ना, स्टाइल मारना शुरू। काम से आए हो क्या? नौकरी के लिए आया हूँ। स्पिनिंग मिल के जॉब का क्या हुआ? ओहो, वो नौकरी, हमारे गांव के एमएलए को मैंने एक झापड़ मार दिया और गुस्से में आके उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम नहीं बदलोगे? पर तुम काफी बदल गई हो। मैं? हाँ हाँ, काफी खूबसूरत लग रही हो और ड्रेसिंग भी कमाल का है तुम्हारा। हे, वीकेंड का क्या प्लान है?
देखो देखो ये है जलवा 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 जलवा। ये गर्म है या नहीं? अरे इस गर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पैदा होने वाली जोड़ी की बात कर रहा हूँ। हे क्या कर रहा है यार तू? हमेशा कीबोर्ड में लगे रहते हैं। वीकेंड प्रोग्राम के फिक्सिंग में ऑफिस पूरा प्लान बना रहा है, राजा रोजा के साथ, जाकी राखी के साथ, नीता गीता के साथ। नीता गीता के साथ? किस दुनिया में रहते हैं आप? ये लेटेस्ट ट्रेंड है। आपका फोन बज रहा है। सर Hello? मैं बंगारू भूमि वेंचर से बात कर रहा हूँ। सर एक मिनट, आप सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज के लिए लॉन्चिंग ऑफर कर रहे हैं ना, अगर आप टाइम देंगे Hello? तो। तू जिसे बता रहा है उसे भी जानता हूँ और उस धोखेबाज को भी जानता हूँ। पहले उसे होल्डिंग पे अंडरवियर के ऊपर कपड़े पहनाने को कहो, उसे ऐसे देखा नहीं जा रहा है इसलिए लड़कियां शर्मा रही हैं। बागेश्वरी भूमि आरामदायक स्वर्ग है। हमारा नया वेंचर आपके लिए एक सुंदर जगह। इस वेंचर के प्रारंभ उत्सव में आए हुए सभी लोग, अपने कस्टमर्स को भगवान की तरह स्वागत करता हूँ, स्वागत करता है। आएगा आ रहा है, आ गए आपके सामने। रियल एस्टेट का राजा, बिल्डर्स को बिल्डअप देने वाला टॉप मोस्ट बिल्डर, डी का मतलब यस कहने वाला, वन एंड वन मी डीएस। अपनी सुंदरता से लोगों का दिल जीतने वाली टॉलीवुड की टॉप हीरोइन एलियाना, अपने ग्लैमर से लोगों को पागल करने वाली टॉलीवुड ग्लैमर क्वीन कुमारी इनिश्का, अभी हमारा नया वेंचर आपका घर सोना के ब्रोशर को दो सुंदरियों के बीच हमारे डीएसजी खोलेंगे। अबे नारे कौन लगाएगा? ग्राम में बात करना और केजी में काम करना मेरा स्वभाव है, व्यवसाय मेरा व्रत है, रियल एस्टेट त्योहार है। जय बंगारू भूमि, जय जय बंगारू भूमि, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देख जा रहे, चुप कराओ उसे, चुप कराओ उसे, चल ले जा बाहर ले जा। नमस्ते, देखो यहाँ पे तो बात नहीं बनी मगर आपसे मुलाकात होगी। भैया मूंगफली देना मुझे। यहाँ आसपास किसी कंपनी में जॉब खाली है क्या? अकाउंटिंग अच्छी से आती है मुझे, बीकॉम किया है मैंने। एमकॉम हूँ मैं। ओ उस्मानिया। ओ मुझे गन दिखाएगा तू? आइए चलिए बैठिए। सर इट्स ओके, वो लोग चले गए हैं। वैसे कौन था वो? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई?
हमारे गांव में अगर कोई बड़े भाई पर हाथ उठाता है तो छोटा भाई उसको पीटता है, और फैमिली को किसी ने टच कर दिया तो पूरा गांव मिलकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वैसे आप दोनों में इतना खतरनाक झगड़ा हो रहा, आखिर बात क्या है सर? जायदाद बांटकर मेरे पिताजी चले गए, अपना हिस्सा लुटा दिया और मेरा हिस्सा छीनना चाहता है। लीव इट। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू, यू आर समथिंग डिफरेंट। क्या करते हो? नौकरी के लिए आया था सर, 1 महीने हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। असल में तुम्हारे जैसे इंसान को पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। होना चाहिए था सर, मेरा सिलेक्शन भी हो गया लेकिन पोस्टिंग के लिए 4 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे, इसीलिए मैंने उन सारे ऑफिसर्स को जोरदार तमाचा मैंने मारा। ओह, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे समझ में आ गया भाई। जिस जॉब के सुबी, चल एंजॉय कर। ये नहीं बदला। कम ऑन फास्ट। यस सर। ओके सर। मैंने कहा था ना, सत्यम हमेशा राइज ही होगा। अरे वो देख अप्पू को। अबे ये क्या, ये तो चड्डे में घूम रहा है। मार शॉट, जो मैंने बोला वो करेक्ट है। हे सूरी, हे लक्ष्य, आजा यार। क्या यार, तू कब आया? ये सूटकेस में क्या है? अरे वो तो सरप्राइज देने के बारे में सोचा, अभी मेरा हैदराबाद में ट्रांसफर हो गया है। हमारे घर चलना? अरे चलना हमारे साथ। अरे मुंबई से मैंने हाउस बुक कर लिया है, शेयर ट्रेडिंग स्टाफ सब बहुत बिजी होते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। ये बात है। रात को सभी डिनर पर मिलते हैं। ठीक है ओके ठीक है ओके। क्यों रे, क्या हुआ, शॉट मारा क्या? अबे इसका पागलपन जाने वाला नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। चल आराम से, बाइक चला, इतना आगे बढ़ो। बड़े चाचा, छोटे चाचा, बड़े भाई, छोटे भाई, नमस्ते। अभी भी क्या देख रहा है भाई, दस्तावेज निकाल के अंगूठा और दस्तखत करवा ले। सबको अपना अपना बैग दे दो। अंगूठा क्या है, दस्तखत क्या है? मार्केट रेट से 5 पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तुम्हारी जमीन को सोने की जमीन बना देंगे। हम नहीं बेचेंगे। तुम अपने खेत में क्या उगा रहे हो चाचा? गन्ना। अब अगर आजकल सब लोग बिना चीनी के ही चाय कॉफी मांग रहे तो गन्ने का क्या डिमांड रहेगा? अच्छे दाम के लिए असेंबली में लोग माइक तोड़ रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या? वो क्या पढ़ेंगे, तुमने क्या उगाया भाई? आधा धरती के अंदर और आधा बाहर, अब तू बता बाहर कब आएगा? मेरे जीजू 30 एकड़ की भूमि बेचकर व्यवसाय व्यर्थ है ये मानकर रियल एस्टेट में पैसा लगाकर खूब कमा रहे हैं। इनसे कुछ सीखो। अरे आप क्या सोचने लगे? बताए क्यों, हमारे बच्चे कॉलेज साइकिल पे जाने चाहिए। बाइक से नहीं जाना चाहिए क्या? अपनी बेटियों के लिए सिर्फ छोटे रिश्ते देखोगे क्या? नहीं करना चाहिए क्या? बात करने के लिए मोबाइल फोन लैपटॉप नहीं चाहिए क्या? हवाई जहाज पे घूमने नहीं जाना चाहिए क्या? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, उतारो गोनी। और तेरी तो जीजू, ये चिल्लर क्यों लेकर आए हैं? सुन, छोटी नोट देंगे ना तो सोचेंगे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर 10 रुपए की गड्डी देते तो और ज्यादा समझते ना। ए, जब मैं प्लान बता रहा हूँ तो तू अपना दिमाग मत लगा। ये मोटा अपने फायदे के साथ साथ हमारा भी फायदा करवा रहा है, क्या कहते हो भाई? बात किए बिना नोटों के साथ आया हुआ है। हमें मंजूर है सर। अरे भाई जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जमीन स्वर्ग है। सर, वो गंगाराम का बेटा प्राइवेट रूम में बैठकर सेटलमेंट कर रहा है सर। कोई बहुत मार रहा है सर, बाहर जाने को कहा तो नहीं जा रहा है। इतना बड़ा आदमी है क्या? क्या सोच रहा है बे? कर दस्तखत कर। हेलो, 10 नहीं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, यहां से बाहर निकल लेना। 1 2 3 मारो इसे। तुम लोग बातों से नहीं मानने वाले। ए कम ऑन,
वाओ, कितने सारे बॉयज हैं। लच्छू। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। प्राइवेट रूम्स में राउंड लगाते रहना। पार्किंग एरिया से एक भी कार जानी नहीं चाहिए, ओके? चलो चलो काम पे लग जाओ। हाय शारदा, व्हाट अ सरप्राइज। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो क्या? हाय हैंडसम। ओके, मेरे बकरे मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सी यू। तुम यहाँ कैसे? और सबको ऑर्डर पास कर रहे हो? मैं यहाँ पे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। ओह कांग्रेट। थैंक यू। तुम्हें तो परफेक्ट जॉब मिल गई है। और ये सूट, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो लच्छू। थैंक यू, चलो ना। Come on here. Hey darling. भाई, मैं उस लड़की के साथ डांस करूंगा। उसी लड़की के साथ क्यों करना है आपको? एक को किस किया, हाँ? दूसरे को हक किया। बहुत मिलनसार लगती है। तुम बहुत सेफ्टी देखते हो जीजू। जाके अपना काम देख। हाय। आई डोंट नो। हाय। वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ, सिर्फ डांस करेंगे, फुल सेफ्टी। आप कुछ मत सोचिए, फ्री नहीं है, डायमंड रिंग मिलने वाली आपको। ब्यूटीफुल, सो स्वीट। जीजू, लड़की रेडी है, आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यही है हमारे एमपी। मजा आ रहा है। हेलो, तुम्हें भी रिंग चाहिए क्या? ये। ये रहा तुम्हारा शेक। थैंक यू लच्छू। ओके, यू वेलकम। धोखेबाज सुब्बू, वो और उसका डांस। Excuse me. Hello. Hey, शारदा। Hey. तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे वो सब बाद में, पहले Happy New Year बोलो। शारदा, तुम थोड़ी सी फास्ट जा रही हो लाइफ में। लाइफ का मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं है लच्छू, इट्स अ रेस, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। रेस में कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए। तुम कुछ और कहना चाहते हो और कुछ और ही कह रहे हो। पहले तो जो तुम्हारे मन में है वो बोलो। मन की बात कहने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ओहो, न्यू ईयर पर बताना था, इसीलिए इतने दिनों से छुपा कर रखा था क्या? बचपन से छुपा कर रखा था मैंने। प्यार का मतलब क्या होता है तुमसे मिलकर ही जाना है मैंने। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ शारदा। ये कहने वाले थे तुम? बचपन से मैंने तुम्हें बस एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखा है। अगर तुमने कुछ गलत समझा तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, हम दोनों ने अगर प्यार करके शादी कर भी ली तो उससे क्या होगा? लेकिन अगर मैंने एमडी से प्यार करके शादी की तो जो लग्जूरियस लाइफ का मैंने सपना देखा है उसे मैं जी सकती हूँ। इसमें गलत क्या है लच्छू? तुम्हारे दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। तुम जिस रेस में दौड़ रही हो उस रेस में तुम अकेली रह जाओगी, और जब ऐसा हो जाएगा ना, तब सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारा दोस्त रहेगा और वो है लच्छू, बेस्ट फ्रेंड। ऐसा फ्रेंड मुझे भूलना मत, कभी मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक। हे, अब तक चार बोतल पी चुका है, बस कर रहे हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। इसलिए भाई मैं ऐसे लव वव वाले कमिटमेंट करता ही नहीं हूँ। करोड़ों रुपए जिसके पास है उस लड़की से शादी करो और फिर वो करोड़ों ले जाके शेयर मार्केट में लगा के डबल ट्रिपल करो। ए, पर वीकेंड पर एंजॉय करो यार, लाइफ कैसी स्मूथली चलनी चाहिए। मिस्टर लच्छू, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होते तो तेरी तरह डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। अबे डेढ़ फुट ये कच्चे के बारे में तुझे पता नहीं है और तू सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बन गया है, एक शब्द मत निकालना, समझ गया? तुम फ्लोर पे फ्लोर बना के हाईटेक सिटी साइबर सिटी नाम रख देते हो और काम करने के लिए यहीं पर सेटल हो जाओगे। सुन लो, तुम्हारी वजह से ही यहाँ के रेट बढ़ गए हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग आज फुटपाथ पर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है ना? पर ये सच नहीं है।
नहीं है सच। उसका गुस्सा हम पे निकाल रहा है। मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती है भाई, सच कह रहा हूं। कोई कमी नहीं होती काम की। मैं मेहनत करूंगा। तुम जैसे लोग प्यार को भी पैसे से तोलते हो, पैसे से। तुम्हारी पैसे की दुनिया को मैं लात मारता हूँ, लात। समझ गए? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ऐसी दुनिया, नहीं चाहिए। मेरी धरती माँ की जय। चाचा जी नमस्ते। बना लेते हैं। चाचा जी तुम ही हो? चाचा जी तुम कौन हो? रियल एस्टेट। कौन सा एस्टेट भाई? चाचा जी आपकी जमीन को सोने की जमीन बनाने आया हूँ। अरे चुप करो, मेरी धरती पहले से सोना है, तुम क्या बदलोगे उसे? मार्केट रेट से 10 पैसे ज्यादा ले लो। 10 पैसे किसे चाहिए? मैंने बेचने के लिए क्या पेपर में इश्तिहार दिया था क्या? 1 इंच भी नहीं दूंगा, चल जा। मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर। मेरे दादा ने मेरे पिता को दिया, मेरे पिता ने मेरे को दिया, और मैं अपने बेटे को दूंगा, और मेरे बेटे किसको देंगे? उनके बेटों को देना होगा। इसलिए मैं किसी को नहीं देने वाला। एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? सुनो, 10 पैसे दूंगा, 4 आना दूंगा, कहकर मेरे खेत में अगर कदम रखा ना तो समझ लेना हड्डियों को चूरा चूरा कर दूंगा। धत्तरेगी, तुम तो हार गए जीजू। फिक्र मत करो, हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, वो पकड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे क्रिकेट बैटिंग की तरह। ये सीख तेरे लिए, मुझे मत बता। ये पंच बढ़िया था जीजू। पता चल रहा है, पर ये सुनने के लिए अच्छा ही है। क्या फॉलो बैलो कर रहे हो तुम? मेरे खेत में पंचायत कर रहे हो, चलो फूटो। मेरी बात सुनिए चाचा जी, हम थोड़ा आराम से बैठ के बात करें। क्या लगा रहा है? क्या है बैठ के बात कर रहे हैं? खड़े होकर बात कर रहे हैं? झुक के बात कर रहे हैं? कूल होकर बात कर रहे हैं? कीलों के बात कर रहे हैं? खेत में से 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, कहीं पर भी बैठ के बात कर, मैं यही बोलूंगा। ये क्या है जी? ठंडा ठंडा मस्त मस्त है। हेवन है चाचा जी। इसे पहनकर आग देखोगे तो भी ठंडा ही लगेगा। ये क्या? इसे पीकर ठंडक आ जाएगी। जूस है चाचा जी, ले लीजिए। कम ऑन टेक इट। मजा तो जूस पीने के बाद आना चाहिए चाचा जी। कैसा है चाचा जी? मस्त है। मेरे जीजू ने जूस के बारे में पूछा है। ए, ए, क्या ये सब? मैं जाता हूँ, जाता हूँ मैं। ये सब क्या है? हाय स्मार्टी। ये क्या है? ये तो शर्ट निकाल रही है, बाप रे। बचपन से तालाब में भैंसों के साथ तैरे होंगे, कभी स्विमिंग पूल में तैरा है क्या? एक बार तैर के देखिए, बहुत मजा आएगा। अरे भाई चाचा जी की मदद करो। हाय। चाचा जी लड़कियों के बीच में आप दबंग के जैसे दिख रहे हैं। आप जब चाहिए यहाँ पे आ सकते हैं, जब चाहिए डांस कर सकते हैं। ये जगह आपकी ही है। नहीं, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, आप अगर बोर हो जाएंगे तो दूसरे लड़कों को भेज दूंगा। अच्छी है। चाचा जी अब अपने बंगारू भूमि फेज 2 प्रोजेक्ट शुरू करें क्या? बोलिए ना चाचा जी। अरे क्या देखते हैं यार, डांस क्या देखते हैं चाचा जी? ये स्विमिंग पूल ले लो, और ये आसपास के रिसोर्ट मैं ले लूंगा। अच्छा? मैं 90 रुपए खा लेता हूँ, बाकी के 10 रुपए तुम खा लो। ऐसी बात है क्या? हाँ चाचा जी। देखा भैया, दामाद जी नए उगे खेत की तरह कैसे चमक रहे हैं। अगर वो ये देखेगा तो उसका घमंड चूर हो जाएगा। अरे है एक हमारे गांव में रंगा राव नाम के, मेरे दामाद अमेरिका में बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इतने घर खरीद लिए, इतनी कार खरीद ली, बस यही सुनाते रहते हैं और सुन सुन के मेरे कान तक पक गए हैं। इसीलिए यही सोचा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हमारे घर का दामाद बनेगा। वैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या मेरा छोटा भाई? अच्छा जो किया दामाद जी, तुम्हारे भाई को मेरी बेटी पसंद आ गई समझो, हम दोनों की बातें हो जाएंगी। सुनो लड़की को लेकर आओ। हाय, आई एम सूरी, सूर्य नारायण। मैं हूँ वरा, वरा लक्ष्मी। इससे पहले किसी और को देखने गए थे? बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं। तो उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई? आँखों को बहुत सारी पसंद आई, लेकिन दिल को कोई पसंद नहीं आई। तो फिर मुझे देखने के बाद आपको क्या लगा? दिल के पास भी आँखें होती हैं ऐसा लगता है।
मैं आपको पसंद आया या नहीं? आप जैसे फोटो में लगते हो, रियल में भी बिल्कुल वैसे हो। फोटो में भी चार आंखें हैं, रियल में भी चार आंखें हैं। मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ना? हेलो। वैसे मैं पसंद आया या नहीं? क्यों पसंद नहीं आओगे? कब से मैं वेट कर रही हूँ जो मुझे यहाँ से इस गोबर की दुर्गंध और इस गांव से सामान बांध के सिटी भाग जाऊँ, इसका मैं कब से इंतजार कर रही हूँ पता है? ओके, तुम्हारे लिए सिटी से कोई ढूंढ के भिजवा देता हूँ, उसी से खुशी से शादी कर लेना, ठीक है? मैं तो बस मजाक कर रही थी जी। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आपसे ही करूँगी, इतना समझ लो आप। कुछ ऑर्डर कर यार, जल्दी कर यार। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाय लच्छू। हाय। ओ। फोटो दिखाओ ना। ये देखो। अरे ए लच्छू क्या कर रहा है? जरा मुझे दिखा। आहा, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या ड्रेसिंग है, क्या सेंस है। वाह 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 वाह, किसकी क्या आंखें हैं यार। कमाल। मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों के बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं। ए दुल्हे राजा, आखिरकार मर्द हो साबित कर ही दिया। चला जा। कांग्रेट्स। ये बॉबी है, इंजीनियरिंग में मेरा क्लासमेट था। फिल्म में ये हीरो बनना चाहता था, लेकिन अभी कोऑर्डिनेटर बन गया है ये। मॉडल कोऑर्डिनेटर की क्या जरूरत, एक दिन हीरो बन जाने दो, सिल्वर स्क्रीन फाड़ दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहन कहाँ है? सेल फोन में फोटो देख ले। बाप रे, सुपर कॉम्बिनेशन है यार। ये क्या फोटो बदल गई है? उसी का फोन आ रहा है। हेलो, आई एम रीटा हियर। कौन बात कर रही है? मेरा नाम वरलक्ष्मी है। सूरी, वही सूर्य नारायण जी को फोन दीजिए। वो तो मिडनाइट में आते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं, वो सोते नहीं है। और मुझे सोने पहले उन्हें फोन दीजिए। ए बॉबी फोन दे, क्या कर रहा है, मैं मार दूंगा तुझे। हाय वरलक्ष्मी, वो दरअसल क्या है कि तुम आपका फ्रेंड था शायद, लड़की की आवाज में बात करके मस्ती करना चाह रहा होगा। सच में भी कोई लड़की बात करती तो मैं नहीं मानती। आप कैसे हैं? ये मुझे पता है। थैंक यू वरा। सिर्फ थैंक्स हाँ? और कुछ नहीं देंगे क्या? क्या दूं मैं? तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। तो फिर मैं ही आपको दूं क्या? क्या दोगी? अरे ये हमेशा राजनीति करते हैं, दिमाग खराब करते हैं। हाँ भैया। अरे रंगा, खेतों में जीप क्यों आई है? जरा देख कर आ। जा देख जरा। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे पहुँच गए। अरे बाप रे, कुछ गड़बड़ है क्या? बस काम शुरू हो चुका। ये क्या सर, आप लोग इस तरह माप क्यों ले रहे हैं? क्या बात है बताइए ना सर। मैं अपडेट करूंगा। आप ही कुछ बताइए ना सर। नहीं, नहीं, सब क्या हो रहा है सर? तो बताइए। नमस्ते आरटीओ जी। हाँ राम राजू, नमस्ते। क्या सर, हमेशा सीधे गांव में आते थे हमारी मेहमान नवाजी के बाद, किस काम से आए ये भी बताते थे। इस बार आप सीधे खेतों में ही चले आए और ये देखिए किसान लोग कितनी चिंता कर रहे हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है राम राजू जी, इन दो क्षेत्रों में रेवेन्यू सर्वे और सॉयल टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सच कहूं साहब, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इस मिट्टी को ले जाकर टेस्ट करेंगे और हमें रिपोर्ट सौंप देंगे। इस खेत में किस तरह की फसल अच्छी होगी, कौन सा लाभ देगी, हमको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट जो भी करती है आपकी भलाई के लिए ही करती है। हम यहाँ से जो लेके जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी है। इतने से काम के लिए आपने चिंता में डाल दिया था। ए, मिट्टी की जांच कर रहे हैं, फिकर मत करो। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत समय बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सर। मैं भी यहाँ क्रॉप्स में 10 सालों से डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ, उससे आपको मदद मिल जाएगी सर। मेरा छोटा भाई है सर, सूरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मतलब आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू यंग मैन। थैंक यू सर। इसी मिट्टी में पला बड़ा है सर, प्यार कहाँ जाएगा। अरे यार, धोनी तो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहा है, छक्के पे छक्के उड़ा रहा है। वो धोनी नहीं, युवराज सिंह है। अरे कोई भी हो, छक्के तो मार रहा है ना, जो मार रहा है उसके ऊपर बेट लगा दे। कल दो बेट लगाया, चार में हार गए। पैसे लगाने वाला मैं हूँ, मारने वाला वो है, बीच में तू क्यों बैटिंग कर रहा है? जाकर बिल भरने वाला मैं ही हूँ। अरे गधे,
जब तू बचपन में नंगा घूम रहा था ना, तब से तुझे पाल रहा हूँ। जो बोला वो जाके कर। हर किसी को अपनी पड़ी है। हेलो, हाँ सुनिए। नमस्ते सर, कल मिले थे ना? 3000 स्क्वायर फुट कहा था, क्या 100 कम हुआ क्या सर? अरे कम होना तो छोड़ दो, उल्टे 3200 रुपया हो गया है वो। अरे रे रे, कल तुमने एडवांस नहीं भरा था ना? अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? सर, कल ही तो बात करके गया था। लेट हुए तो रेट ऊपर जाएगा ना, नीचे थोड़े ना आएगा। आज मार्केट की पोजीशन कैसी है? कल सत्यम 200 था, कल 600 था, आज 700 है। वो छोड़ो, आपको पता है कल ही टमाटर खरीदने बाजार गया था, 1 किलो का 10 रुपए था। जीजू ने फ्रेश खरीदा 60 रुपए में, हमसे बिना पूछे खा रहे हैं बिरयानी। पता है वहाँ देखो, आधा किलोमीटर में हाईटेक सिटी है, प्राइम प्लेस में वेंचर है, फर्स्ट फ्लोर में जिम दिया गया है, आसपास रनिंग ट्रैक है, बीच में स्विमिंग पूल भी है। ये सब अगर खुद के खर्चे से खरीदते हैं तो 1 करोड़ दम निकल जाएगा। वही मुझे दिया तो 40 लाख में, जमीन पर सोना दे रहा हूँ। इसीलिए हमारे सारे क्लाइंट्स विप्रो, इंफोसिस और सत्यम है। जैसा जीजू ने कहा 3200 वो भी नहीं, जैसा तुमने कहा 3000 वो भी नहीं। मेरी बात सुनो, 3100 में डन कर दो। मेरी सर एडवांस देंगे, तुम्हें जो देना हो दे दो। हाँ साहब आइए। नमस्ते, नमस्ते 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 जी। नमस्ते सर, ये है गांव के सरपंच राम राजू जी। नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार। रामनवमी के दिन इस गांव से और आसपास के कुछ गांवों से ले गई मिट्टी को राष्ट्र खेती विभाग, भूमि और मिनरल्स के रक्षा संस्थान ने जो टेस्ट करवाया था उसके बारे में हमें कुछ पता चला है। उन्हें आज समझाने के लिए आज हमने आप सबके सामने बुलाया है स्पेशल ऑफिसर श्री प्रफुल्ल चौहान, जो आईएएस हैं, आपके लिए ही आए हैं। चौहान जी। सभी को मेरा नमस्कार। बदलते भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आने वाले 7-8 सालों में यहाँ के 2 क्षेत्र के 15 गांव रेगिस्तान में बदल जाने का खतरा जांच से पता चला है। ये क्या होगा? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जीवन का आधार खोने वाले किसानों को आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए इस समस्या का निवारण करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 2 क्षेत्र के 15,000 एकड़ जमीन को सेज घोषित कर दिया जाए। जमीन खोने वाले किसानों को नुकसान भरपाई देने के साथ साथ यहाँ पर बनने वाले फैक्ट्री में गांव वालों को उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। जल्द ही आप यहाँ पर विदेश के स्थाई जैसा विकास देखेंगे, बहुत जल्द ही। अभी इस गांव के सरपंच राम राजू जी बात करेंगे। राम राजू जी, राम राजू जी। साहब, स्पेशल ऑफिसर जी, हमारे दादा और परदादा के समय से हम खेती करते चले आ रहे हैं। अब किसी बदलाव की वजह से हमारी जमीन हमारी नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? करेंगे क्या भाई, खजूर उगा के छीन लेंगे। पर अगर वो भी ठीक से नहीं उगा तो खोदते हुए जाएंगे, ढेर सारा ऑयल मिलेगा। सही कहा भाई आपने, 10 रुपए कम करके हम खुद ही सरकार को दे देंगे। अगर उनके लिए ज्यादा होगा तो 5 रुपए कम करके बगल के पाकिस्तान को बेच देंगे, हमारा अच्छा स्वभाव उन्हें पता चल जाएगा। What do you mean? Mean कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तरह सूट बूट टाई पहन के हमने पढ़ाई नहीं की है। इस धरती माँ ने हमें ज्ञान दिया है। क्यों नागेश, उस दिन तूने कहा था कि बोरिंग करनी है, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या है, 25 फीट में खोदने के लिए सोचा था, 15 फीट में ही काम हो गया। गंगा है वहाँ पर, पानी ही पानी है। ए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बड़े ऑफिसर साहब हैं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या जी, उस तरफ नदी गोदावरी नदी जोरों से बह रही है, दूसरी तरफ जमीन की गंगा, खोदते ही ऊपर आ रही है तो हमारी धरती रेगिस्तान बन जाएगी क्या? क्यों जी, हम सनफ्लावर खेतों में उगाते हैं पर कानों पर लगाकर नहीं घूमते। बापरे बापरे, स्टेट लेवल ऑफिसर को पंचायत अकाउंटेंट की तरह डांट दोगे क्या? तू बकवास बंद कर, नीचे आ। कात्या, ए चुप कर, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या कर, चल ले, चलो इसे ले, चलो। ए छोड़ो मुझे, छोड़ो। इधर तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया गधा, और क्या करेगा। राम राजू जी, इन लोगों का आपसे बहुत लगाव है, नजर आ रहा है।
इन सब की जिंदगी रेगिस्तान न हो जाए इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। नमस्ते। पूरे राष्ट्र में 112 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा सरकार ने की है, उसमें से एक है श्रीरामपुरम। इस योजना के तहत जमीन को अलोकेट करने आए अधिकारियों का उस सरपंच ने विरोध किया है। अच्छे पानी का साधन होने वाले इस प्रांत की धरती रेगिस्तान कैसे बन गई वो प्रश्न कर रहे हैं। राम राजू को केवल श्रीरामपुरम ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी समर्थन दे रहे थे, इसलिए सरकारी अधिकारियों को वहां से निकलना ही पड़ा। गांव वालों का गुस्सा देखने से लग रहा है ये एक और सिंगुरु आंदोलन के जैसा हो सकता है। सरकार के अधिकारियों का यही कहना है, अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या करने वाली है। सर आपने कहा था वैसे ही मैंने फाइल रेडी कर। नमस्ते जी। श्योर। राम राजू। मेरा भाई सूरी। हेलो। हेलो सर। बैठिए। आपने मिलने के लिए बुलाया था। राम राजू आप सरपंच हो इसीलिए आपके गांव में अच्छे दिन आने वाले हैं। रियली इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यस सर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू ग्रैब आवर लैंड्स। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू सेपरेट द सन्स फ्रॉम देयर सॉइल्स। हाउ स्ट्रेंज यू आर टॉकिंग लाइक दिस। You are an educated man and in fact you should have guided your brother. No, not needed. In fact, you better understand the emotional attachment between tiller and the land. Of course, you can never understand that being a puppet in the hand of multinational companies. See mister, itna padhne ke baad bhi globalization ko itna easily kaise le rahe hain? Baat ko samjho. Jo insaan halaat ko dekhte hue koi kaam karta hai, wahi samajhdar hota hai. Kuch samajh mein aaya Ram Raju? Ye globalize kuch kaha na? वो समझ में नहीं आ रहा है, पर बाढ़ के बारे में बताया ना वो तो अच्छे से समझ में आया। बाढ़ बता करके नहीं आती और जब आती है तो बताने के लिए कोई नहीं बचता, और वो हमारे गांव से शुरू नहीं होनी चाहिए। चलो। क्यों आरडीओ जी, उस दिन कहा था कि मुट्ठी भर के माटी लेकर के जा रहा हूं, पर उस मिट्टी में हमारे दिल लेकर के आ गए। अब पता चला नमस्ते डीएस जी। क्या हुआ मेरे सीट का? कंपटीशन बहुत तगड़ा है सर। कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है, वैसे भी पॉलिटिक्स तो अब धंधा बन चुका है, हर आदमी इसमें घुसने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं है। यहाँ कौन खड़ा है? दम रखने वाला सुब्बा राव। देखो पार्टी को 5 करोड़ फंड दूंगा, इलेक्शन में 20 करोड़ खर्चा करूंगा, कम से कम 4 MLA का खर्चा उठा लूंगा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। डायमंड बाबू काकीनाडा से बढ़िया से वर्कआउट कर रहा है। डायमंड बाबू काकीनाडा से अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो मैं पुणे से वर्कआउट कर रहा हूँ। कल जो अपनी सभा होने वाली है ना, उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर बुक करके ऊपर से फूलों की वर्षा करके नीचे लोगों को भिगा दूंगा, शौक हो जाएंगे। ये बात है तो फिर सीट आपको ही मिलेगी सर, उसके बाद मुझे थोड़ा देख लेना। अरे भाई इसे देख ठीक है जीजू। क्या प्रकाश मेरे डेस्क पर बैठा है? सॉरी बॉस। सॉरी अप्पू, टुडे इज योर लास्ट डे। व्हाट डू यू मीन? अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो सीएमडी जी से बात करो। इट्स ओके, टेल मी अप्पू। पॉइजन बॉटल हाथ में थमा के क्या हुआ ऐसा पूछ रहे हो मुझसे सर आप? बी कूल, टेंशन मत ले, इट्स ऑल अ प्रोसेस। इस वीक में तुम, नेक्स्ट वीक में कोई और। जो करना है वो करके फिलोसोफी झाड़ रहे हो क्या? ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ रोड पर लेकर आ गए तो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं क्या मैं? मिस्टर अप्पू, फॉर्मेलिटी के तहत तुम अगर रिजाइन करोगे तो तुमको रिलीविंग लेटर दूंगा, नहीं तो टर्मिनेट करूंगा। तुम जाके काम करो। थैंक यू बोलता हूं मैं। अरे जीजू सॉफ्टवेयर और सेंसेक्स गिर गया है, सारे बिल्डर्स कार पार्किंग फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमें भी कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। ए, हमारी बंगारू भूमि 1 नंबर पे होनी चाहिए। वो पार्किंग फ्री दे रहे तो चिंता मत करो, हम कार फ्री दे देंगे। भले ही हमारा नुकसान हो जाए लेकिन प्लान बहुत बढ़िया बनाते हैं। बात करना बंद करके काम पे ध्यान दे जा। अच्छा जीजू, जीजू दिखा दो। बाकी के बिल्डर्स आपको मात देने के लिए नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, ट्रिपल बेडरूम के साथ सिंगल बेडरूम फ्री। अच्छा, बंगारू भूमि से पंगा लेंगे तो उनका सर फट जाएगा, हम कैसे फाइट दे सकते हैं? ये वो छोड़ो, कोई भी हो, 1 get 1 फ्री दे दो।
कार एक तरफ झुके, मतलब जीजू आ गए। जीजू, कस्टमर से मीटिंग की और एडवांस लौटाने के लिए कह रहे हैं आपको। क्या हुआ? बाकी के बिल्डर्स फ्लैट के साथ साथ सिंगापुर का ट्रिप दे रहे हैं। कस्टमर्स ये पूछ रहे हैं कि आप उन्हें कहाँ का ट्रिप दे रहे हैं। देने का क्या है, जो भी है दे दे। क्या बात है जीजू, मजा आ गया, मजा आ गया। दिमाग काम कर रहा है इसका। और क्या। रुको रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ए, कौन हो तुम लोग? मेघना फाइनेंस रिकवरी। अरे मैंने कहा ना कि अगले महीने में चार ऑफिस में आके बात कर रहा। स्टॉप, हे हे, अरे स्टॉप द कार, ऑटो। हे ए सपना, सुनो। हेलो, डैम शिट, व्हाट हैपेंड? नैस्डैक में हमारी कंपनी डीलिस्ट हो गई है, ऐसा CNN और NDTV में बता रहा है। एट एनी आवर US में हम पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के तहत केस हो सकता है भैया। माय गॉड, अगर आप वहां पर अरेस्ट हो जाएंगे तो 20 साल तक बाहर की दुनिया देख नहीं पाएंगे। इसीलिए इंडिया में अरेस्ट होना है। इंडिया में? तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बात पता नहीं है, जैसा सभी सोचते हैं हमारी कंपनी को 2 साल से प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऑडिटर्स को मैनेज करके जो प्रॉफिट कभी था ही नहीं वो हमने दिखाया। इस एक गलती को रिवील कर दिया तो काफी है इंडिया में अरेस्ट होने के लिए। ये क्या है मिस्टर MD, आप शौक पर शौक दे रहे हैं। हमारे पास इतना एफिशिएंट मैन पावर है ना, कंपनी 2 साल में वापस चेक पर आ जाएगी, यही सोचा था। बट इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग ड्यू टू ब्लडी ग्लोबल रिसेशन। यहाँ अगर अरेस्ट होंगे तो कुछ 1000 करोड़ का स्कैम किया, इसलिए जेल में मेहमान नवाजी करेंगे, उसके बाद इन्फ्लुएंस से बाहर आ सकते हैं। सर, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हजारों इन्वेस्टर अब कहीं के नहीं रहे। सर, बताइए, ₹5 का शेयर जब 5000 हो गया तो किसी इन्वेस्टर ने नहीं पूछा, अब भी पूछने का हक किसी के पास नहीं है। जो मैनिपुलेशन किया सब पता चलने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपका इससे कोई संबंध नहीं। खेल में कोई ना कोई आउट तो होता ही है ना, समझ लो मैं इस खेल में आउट हो गया। मतलब बहुत सी कंपनियों का पर्दाफाश हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं? कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही सबको नौकरी की जरूरत होती है। घर का बेटा हो या घर का दामाद, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ऐसे सोचने वाले माता पिता की कल की इच्छा थी। नौकरियों को छोड़ दे तो असल में कंपनियों का दीवाला निकल जाए, ऐसी परिस्थिति आ गई है। लग्जरी जिंदगी एक भाग है, ऐसा सोचने वालों को किसी की परवाह नहीं होती है। लग्जरी जिंदगी ऐसा सोचने वाले मुश्किल में है। आर्थिक मंदी ने दुनिया को हिला देने वाले ऐसे समय में इसका प्रभाव आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है। कैमरामैन मुजीब के साथ बद्री, TV9 हैदराबाद। भले ही रैंक कितना अच्छा आया, मेरी इंजीनियरिंग के लिए मेरी माँ को उनकी जमीन भी बेचनी पड़ी, लोन भी लेना पड़ा। ये जॉब परमानेंट है सोचकर सबके जैसे लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मैंने भी कार फ्लैट सब कुछ ले लिया। अगर ऐसी लाइफ हमेशा ना रही तो ये सोचने से भी डर लग रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतना परेशान क्यों हो रही है, सिर्फ जॉब ही तो गया है, जान नहीं ना, कभी कभी भगवान ने जो ब्यूटी दी है उसे भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं हूँ ना, फिक्र मत कर। जीजू, अरे यहाँ हो क्या? मना करने पे ऑफर पे ऑफर दिया, फिर भी हमें 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहली तारीख तक हमने 20 करोड़ नहीं भरे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है जीजू। क्या हुआ, सर पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? मैटर लीक हो गया इसलिए क्या? तुमने तो कहा था कि फ्लैट से फूलों की बौछार करोगे। लगता है बगल के रोड शो पे फूलों की बरसात कराओगे। तुम्हें धोखेबाज कह के पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। मैं तुझे मार डालूंगा। और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जीजू, क्या कर रहे हो आप? छोड़ मुझे, जीजू। टेंशन मत ले, चल। सर ये मॉडल्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। यू टेल युवराज। सर एक्चुअली वी हैव 2 storage shelves सर। In these 2 shelves, having different types of modules, sir, if one gets failed, the other will get a rise here, sir. According to your project, it shows all the details on your monitor, sir. Excuse me, sir. Thank you. Carry on.
ओह मिस्टर सिन्हा, आई नो हिम वेरी वेल। उनके टेस्ट के बारे में मुझे पूरा पता है। ही लाइक्स फैमिली गर्ल इन मॉडर्न अटायर। एस्कॉर्ट के लिए वैसी लड़की रिक्रूट कर रहा हूँ मैं। यू डोंट वरी। शारदा, टेंशन मत ले, कह रही हूँ ना। हे सिमरन, सेक्सी सायरन। शारदा, एग्जैक्टली। रेविशिंग यार। हे कम ऑन। हेलो। आंखों में कंफ्यूजन मर्द को किक देता है। ओके डियर, शी गॉट द स्कॉट जॉब। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता भी है कहाँ आई हो और क्या करने आई हो? हे मैन, देखने में कॉर्पोरेट गाय लग रहे हो। तुम्हें स्कॉट के बारे में नहीं पता क्या? समझदार खूबसूरत लड़कियों के लिए ये एक सुटेबल जॉब है। रिसेशन में किसी जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन स्कॉट जॉब की पूरी गारंटी है। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को रिसीव करने से लेकर उनके साथ रहने तक का सारा काम करना पड़ता है। उनकी प्रोफेशनल नीड्स से लेकर पर्सनल नीड्स को भी पूरा करना पड़ता है। मतलब कि बेडरूम में भी उनके साथ टाइम गुजारना पड़ता है। ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी करोगी तुम, संस्कारों को भी भूल गई? तुम्हारे अंदर जो शारदा उसे खत्म कर दोगी क्या? ऐसी बात नहीं है। ए, बकवास मत कर वरना झापड़ मारूंगा मैं। यहाँ पर होटल में स्कॉट का जॉब करने के लिए आई हो तुम। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी लाइफ में नहीं मिला तो उसके लिए तुम अब इतना गिर गई हो कि स्टार होटल में स्कॉट का जॉब कर रही हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ तुम्हारा जॉब नहीं गया है, लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। वैसे इन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एग्रीमेंट्स तो करके तुम्हें दिया होगा ना कि तुम्हें 58 साल तक पेंशन देंगे, क्वार्टर देंगे। एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? तुम जल्दबाजी में एक अंधी रेस में दौड़ रही हो शारदा, और इसमें तुम अकेली पड़ गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि लच्छू तुम्हारा दोस्त, उसे एक बार कॉल करना, तुमने नहीं किया। दोस्त नहीं मानती हो मुझे? ए, रोना मत। बिल्कुल मत रोना, रोते हुए तुम बिल्ली नजर आती हो मुझे। ओहो, अब गुस्सा हो गई। हेलो ब्रदर, जरा चॉकोबार देना। ओ, इसे अब डबल डोज चाहिए। भैया दो देना। टेल। सो युवराज, हाउ? अब तक 100 लोगों को निकाल दिया है। देखो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हैव योर सीट्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सूरी। आई थिंक स्टैंड चैट वर्क इज फिनिश्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। यस सर, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई सर, स्टिल आर स्मॉल इश्यूज देयर। उसे कौन देख रहा है? युवराज सर। व्हाट मिस्टर युवराज? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। हाउ इजली यू आर टेकिंग थिंग्स नाउडेज सर? यू पीपल ओनली फिक्स द डेडलाइन। अब और दो डेज है ना सर। हु सेड? यू सेड। हाउ डेयर यू आर? एक जीएम को उंगली दिखाते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, युवराज ने जो अभी कहा वो सब कुछ आपने हिंदी में कहा, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? लेकिन वही इंग्लिश में अगर किसी को कोई कुछ भी कहे तो उसे बुरा नहीं लगता, ऐसा क्यों है सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मतलब अब तुम मुझे सिखाओगे? अपने हाथ में रहो, मैं तुम्हें इसी से मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। ओके, समझ गया सर। इश्यू प्रोजेक्ट का नहीं है सर, हमें टारगेट करने का है। मिस्टर सूरी, यू आर ए टीम लीडर, नॉट ए ट्रेड यूनियन लीडर। तुम्हें भी अगर विरोध या ड्रामा करना है तो तुम भी रिजाइन दे सकते हो। अच्छा है सर, इस कंपनी को परिवार की तरह जान के मैं मेहनत करता हूँ। करोड़ों में टर्नओवर है इसका, अभी रिसेशन आ गया है इसलिए कंपनी का प्रॉफिट 10% गिर गया है। अब कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, आप लोग हम लोगों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, यही आपका प्लान है सर? चल चलते हैं युवराज।
युवराज डोर खोलना। हे युवराज, ए दरवाजा खोल। इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? बहुत घूम के आया ना, क्या पता सो गया हो। अच्छा सूरी, क्या हुआ यार? भाई सूरी लच्छू, मुझे माफ कर देना, मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल गई है। दुनिया को हिला देने वाली आरती मंदी ने सुनामी की तरह आके मुझे डुबो दिया। जब नौकरी कर रहे थे तब बहुत सारी नौकरियां रेडी थी, झट से कंपनी बदलने वाला समय, फटाफट बदलने वाला पे पैकेज, ढेर सारे पैसे, वीकेंड का मजा, अय्याशियों के खर्चों ने मुझे कब का मार दिया था। सच में मुझे मौत से बहुत डर लगता है, पर जिंदगी में पहली बार जीने का डर लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। माता पिता ये बात सह नहीं पाएंगे, उन्हें तुम ही लोगों को दिलासा देना होगा। मुझसे एक वादा करो, किसी भी तरह तुम उन लोगों को संभाल लोगे। सूरी लच्छू, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हारा युवराज। क्या हुआ जी? धोखा दे दिया यार, छोटा सा शक भी नहीं हुआ, करा कहीं का, क्या कर दिया इसने? सूरी, ये क्या भैया है, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, कल रात को एक सपना देख लिया, गाड़ी पकड़ करके सीधा आ गया। क्यों, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। आप पहले अंदर आइए, चलिए कुछ खा लीजिए। क्यों लच्छू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया। वैसे हमारे अमिताभ बच्चन युवराज कहाँ हैं? ये क्या है? पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता से ज्यादा नौकरी प्यारी हो गई, जिंदगी भर का दुख दे करके चला गया। बहुत गलत काम किया, बहुत मूर्ख वाला काम किया। वैसे भी अमेरिका में या किसी और देश में पैदा हुए लड़कों को डरना चाहिए, पर हमारे देश के लड़के क्यों डर रहे हैं? हाँ? ए, ये धरती पर ही है, परसों पैदा हुआ, कल भूल गया और आज तबाह हो गया, पर यही हमारी धरती आज भी है, कल भी होगी और हमेशा रहेगी। वो रहेगी पर हम में से कोई नहीं रहेगा। देश में 60% लोग खेती करके ही अपना जीवन चला रहे हैं। खेती रहेगी तभी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। बस हो गया, नहीं चाहिए। मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ, अमेरिका में या दूसरे देश में या हमारे देश में लाखों लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। नहीं है भैया, अरे अब तक 2 महीने हो गए, कुछ मिल जाएगा ये सोचते सोचते समय ही निकला जा रहा है। मेरे पास किस चीज की कमी है? 10 एकड़ की जमीन है, चल शान से खेती करके जिएंगे, कल तुझे देख कर 10 लोग तेरी राह पर चलेंगे। हाँ अरे ससुर जी। हाँ आइए। क्यों, टेलीग्राम करके आपने जल्दी क्यों बुलाया? हमारे घर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दामाद आना चाहिए सोचा था, खेती करने वाला नहीं। अरे छोटे, राम राजू जैसे इंसान से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बैठ जाओ। अच्छा उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि आप शादी करवाना चाहते हैं मेरे भाई से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उस दिन मैंने कोई जोक नहीं किया था, लेकिन आज इन्होंने जोक कर दिया है। देखिए राम राजू जी, आंख में चौली क्यों खेलें? ये शादी नहीं हो सकती, यही कहने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अबे भी क्या दिक्कत है, वैसे भी दामाद जी की नौकरी चली गई है ना, वो यहाँ खेती बारी करेंगे, हम लोग भी तो किसान परिवार से हैं, सोचो जरा। तुम्हारी बेटी होती तो ऐसा बोलते क्या? अब मैंने क्या कहा? सुनिए सुनिए, इस शादी को लेकर के राम लक्ष्मण आपस में झगड़ा करेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा। आप दोनों के बारे में गाँव वाले कितना अच्छा कहते हैं, ठीक है हम कुछ सोचते हैं लेकिन भगवान कुछ और सोचता है। आपके लायक अगर रिश्ता आपको मिल जाएगा तो हमारे लायक हमें मिल जाएगा। हाँ पर एक बात का ही दुख रहेगा, हमारे सूरज से ज्यादा 2-3 बार हमारी वर लक्ष्मी ने उसे फोन किया, देवर जी ठीक है ना, देवर जी ने खाना खा लिया, इतने प्यार से बात करती थी, बस आज के बाद वो बातें कान में नहीं आएंगी।
चलता हूँ समधी जी। हाँ वेंकट राव जी, बेटी वरलक्ष्मी, चलता हूँ मैं। बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। हाय, बोलना। हे सूरी, कैसा है यार तू? बढ़िया हूँ यार, बहुत बढ़िया हूँ। शारदा कैसी है? शारदा बहुत अच्छी है। शारदा को अभी देखो तो लगता है कि एक नई शारदा को देख रहा हूँ। इस रिसेशन के टाइम में भी मैंने अपने बॉस से बात करके शारदा को एक बढ़िया सी जॉब मैंने दिलवा दी है। यस। मुखिया जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। ओम श्री हनुमते नमः। दोनों अनजान लोगों को ले आकर के उन्होंने आंगन में बात किया तो तुम लोग घर के अंदर बात करके सगाई करके आज से इन दोनों की आधी शादी हो गई, ऐसा कह के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट के अभी कहती हो कि हम शादी नहीं करवाएंगे। और क्या कहा था? मुझे सब याद है कि अगर तुम्हारे लायक का रिश्ता तुम्हें मिला तो हमारे लायक रिश्ता हमें भी मिल जाएगा, ऐसा कहा था तुम्हारे पति ने। एक दूसरे के साथ बहस करके ऐसे अलग अलग रास्ते जाते हैं क्या? असल में पूरे गांव के बारे में भलाई सोचने वाले आप ऐसा सोचेंगे? भले ही कोई कुछ भी कहे, सूरी ही मेरा पति है। चलती हूँ राम राजू। आहा, ससुर जी। जवाब क्यों नहीं दिया उसको? ऐसा उसने पूछा ही क्या है, बस बोल के चली गई। झूले पर बैठने मिला तो कितनी डिंगे मार रहा था, इसलिए रस्सी टूट गई। कार बेचने वाले सब्जी बेच रहे हैं, इसे ही कहते हैं। पहले तो दोनों बाप बेटे खूब दबा के पार्टी करते थे, हा? आगे के लिए सोचते ही नहीं थे। इतना जल्दी दरवाजा बंद हो जाएगा ये पता नहीं था। अरे बाप रे, नीचे थोड़ी गिरा है, आकाश से नीचे गिरा है वो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बंद करो अपना। क्यों भाई, इस गांव ने तुमसे कुछ कहा कि तुम तीनों बोझ बन गए हो? देखो भाई, तुमने शेर वेर के चक्कर में बहुत बेकार काम किया, बस मुझसे गलती हो गई। अब मेहनत करने के बारे में सोच रहा हूँ, कोई रास्ता दिखाइए, ऐसा मुझसे नहीं पूछ सकता था। सिर्फ तेरी नौकरी गई है क्या? सूरी की नौकरी नहीं गई क्या? आकर खेती नहीं कर रहा है क्या? अरे तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। असल में तुझे समझाना गलत है, ये कोई छोटा बच्चा है जो अनजाने में भूल गया। घर का सारा सामान बांध करके और यहाँ से चले जाओगे? आपके पास दिमाग नहीं है क्या चाची? गाँव वाले कहीं चले गए क्या? ऐसे समय में इंसान इंसान के काम आता है। आज से मेरा घर आपका घर है, कुछ भी बोले बिना सीधे घर चलिए। तुम रामराज नहीं हो, धर्मराज हो। शांत हो जाइए चाचा, क्या बच्चों जैसा कर रहे हैं, अभी चाची रोने लगेंगी। हे अप्पू। हे, यहाँ क्या कर रहा है यार तू? वहां भाभी भैया वेट कर रहे हैं, चल खाना खाते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं लग रही है। अभी भी भूला नहीं है क्या तू? मुझे अपने आप पर ही बहुत घिन आ रही है। किस लिए यार? मैं असमर्थ हूं।
लाइफ में फेल हो गया हूं, किसी काम का नहीं हूं। hey, इस दुनिया में काम ना आने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा? हमें बस इतना पता करना है कि हम किस काम में आ सकते हैं, समझा ना? तू बचपन से स्कूल में नाटक करता था, गाना बजा के डांस करता था, तेरे अंदर एक कलाकार है। तू क्या बोल रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। तू मेरे फ्रेंड बॉबी को जानता है ना? अरे वही मॉडल कोऑर्डिनेटर। मैं हैदराबाद फोन करता हूँ, तो उसके पास चले जा, वो जरूर तुझे काम देगा, मुझे पूरा विश्वास है, समझा ना? हर व्यक्ति, हर इंसान इस देश का भविष्य है, है ना सर? कट कट। ए, ये क्या डायलॉग बोल रहे हो तुम? कॉन्सेंट्रेट करो। सॉरी सर, बोल दूंगा सर। हाँ, एक्शन। हर इंसान इस देश का भविष्य है, ठीक है ना सर? कट 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 कट। ये क्या है, बाहर अलग अलग कैरेक्टर करते हो, इतना काफी नहीं है क्या? डायलॉग बहुत हैवी है सर, शब्द बहुत ही कठिन है सर। ABCD बोल देता हूँ ना, डबिंग में एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कहा, ABCD बोलोगे? विनायक शूटिंग में मुंबई की हीरोइन से ABCD बुलवाया था ना सर, थोड़ा लोकल टैलेंट को भी एडजस्ट करो ना। ए नहीं भी नहीं, तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, डायलॉग परफेक्ट याद करके फिर बोलो। बाप रे, ये डायलॉग लिखने वाला जो भी हो। ए बॉबी, सुपर डायलॉग है यार, ये ABCD क्यों पढ़ रहा है? तुझे तो अच्छा मौका मिला। अच्छा, हम भी बाहर से आके ना एक्टर को ऐसे ही कमेंट करते थे, जो डायलॉग बोलता उसे पता चलता है यार। मैं बोलूं क्या? बोलेगा क्या? हाँ बोल ना, बोल बोल बोल, देखते हैं। हर इंसान युवक ही इस देश का मार्गदर्शन है कहता है। व्यापार के नाम पर हमारी जिंदगी को बीच रास्ते में बेचने वाले, इस व्यापार व्यवस्था पर भरोसा करें क्या? विकास के नाम पर उम्मीद बढ़ाकर उस पर पानी डालने वाले इन नेताओं पर हम कभी भरोसा कर सकते हैं क्या? कौन हो भाई तुम? अरे इसे 1-2-3 भी नहीं आता सर। तुम मॉडल के लिए ही ठीक है, एक्टर के लिए ये सही है ना सर, 6 महीने से चक्कर काट रहा हूं सर, आधा डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा है। हां आओ भाई, ये कैरेक्टर तुम करोगे। कम ऑन, थैंक यू, कम ऑन, कम ऑन, थैंक यू। आ जाओ भाई। पढ़ा लिखा, समझदार, टाई पहनने वाला, सूट पहनने वाला, उनके ज्ञान का इस्तेमाल करके हमें धोखा मिल रहा है, तो उनका भरोसा हम करें क्या? तो किस पर भरोसा करें? अपने आप पर भरोसा करो, हमें खुद पर भरोसा करना होगा। पेट की आग को ठंडा करने की शक्ति हमारे अंदर ही है, भरोसा करना होगा। यही सच है, यही सच है। नाइस नाइस, एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं, उसमें बिहेव दिखना चाहिए। तुमने अच्छा एक्सप्रेशन दिया, जरूर बड़े हीरो बनोगे। Keep it up, keep it up. Best of luck, hero. Best of luck, best of luck, best of luck. आज का श्रीरामपुरम, कल का श्रीरामपुरम। आ जाओ किसानों, समय तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा सोने का भविष्य राह देख रहा है। मूर्खों की बात मत सुनो, सुनोगे तो आपकी जिंदगी में होगा दुख और आंसू। यही विकास करने वाला समय है, यही तुम्हारा सोने का भविष्य पाने का अवसर है। ये लो दोस्तों, ये लो, आओ, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। कोई नहीं रोक सकता इसे, बस कोई नहीं रोक सकता। पूर्व गोदावरी जिला, रेफरेंस नंबर D4175, सर्वे नंबर 401402, गांव कोनापेटा, एगोवल्ली, दिगुवपल्ली, सत्यनापल्ली, पारीगी, कुंभागुड़ी, ये सब जो गांव है उनकी जमीन और घर को ZSEZ को अलॉट किया जा रहा है। इसके लिए सभी लोग अपना सहयोग दें। आपकी जमीन के लिए तय की गई भरपाई को लेकर इस प्रांत में इंडस्ट्रियल विकास के लिए आपको सहयोग देना। हमारे गांव के बीच में टेंट लगाएंगे, हमारा गांव हमारा नहीं रहेगा, हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, असल में कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। कितने गर्व के साथ कह रहे हैं, तुम इंसान हो कि जानवर? अब तक गाड़ी नहीं आई चाचा जी। बस 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 बस, रुको रुको, ए चलो चलो चलो, जल्दी सब लोग चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, ए चलो जल्दी करो, ए हटो तुम, अरे चलो, अरे हटो, क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे तू हटना यार, चलो चलो जल्दी करो, ए तू हटना यार, क्या कर रहा है, सर पे चल रहा है? सरकार ने बच्चों से काम कराने को मना किया है, माल मजदूरी मना है, पता नहीं है क्या? बच्चा कहीं का, ए चलो 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 जल्दी करो। भाई सब लोग तो ट्रक में चले गए, तुम क्यों नहीं गए? वो लंबू का देख रहा है ना तू, सोडा बोतल का ढक्कन कह के मुझे धक्का मार दिया उसने। ऐसा ही तो दिखता है तू। दोबारा गाड़ी आएगी, रुको। यहाँ पे हमारे रेंज का होटल नहीं है क्या जीजू? फिलहाल के लिए ना यहीं पे कुछ खा पी लेते हैं। ये लो भाई, नमस्ते। अरे बड़े भाई वहाँ देखो, एडजस्ट कर ले यार, हम लोगों की जिंदगी खराब करने वाला मोटा। हाँ बाबा,
कितने दिनों के बाद मिला है बे तू? काला चश्मा पहनाकर मुझे बेवकूफ बनाया तूने। बेवकूफ बनाया, हमें क्या लेना देना, ये भी हमारे जैसा ही है। मार लड़कियों को बगल में बिठा के मुझे दारू पिला के पागल बनाता था मुझको। पागल 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 बनाता था मुझे। सुंदर सुंदर लड़कियों को लाके छोटे छोटे कपड़े पहना के उनके साथ नचवा के मुझे धोखा दिया था ना तूने। धोखा दिया था। कितने दिनों के बाद तू मुझे मिला ना, तेरी आते बाहर निकाल के माला पहनूंगा मैं। तेरे साथ एक और आदमी था, कहाँ है वो? कहाँ है वो? देखो, जिंदगी झंड हो गई है। अबे यार तू रो मत प्लीज, क्या प्रॉब्लम है मुझे वो बता। रियल एस्टेट बिजनेस में ऑल फ्री स्कीम रखकर तो रोड पे आ गया यार। अरे लच्छू, अबे रोना बंद कर यार, तुझे मेरी हेल्प करनी होगी यार। शांत हो जा लच्छू, मेरे पास किस चीज की कमी है? इनकी तरह लंबा और हट्टा कट्टा भी हूँ, मैं भी इनकी तरह बाउंसर बन जाता हूँ। तू ज्यादा चिंता मत कर, खाना भी मिल जाएगा तो काफी है। ठीक है, अगर तू ऐसी बात कर रहा है तो कल से आ जा। थैंक्स यार लच्छू। मैं लच्छू का फ्रेंड हूँ। थैंक यू। अरे बाप रे, ये क्यों आया? अरे धोखेबाज सुपरराव। यस, द बाउंसर। लेकिन ये गेटअप पे तो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है यार। गेटअप नहीं यार, जीने के लिए कर रहा हूँ, किसी को बताना। कूल, डोंट वरी। लच्छू। हे अप्पू। लच्छू, क्या बात है, बड़ा खुश। अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूँ, नीचे उतार। अरे मैं हीरो बनने वाला हूँ यार, मुझे पूरी जगह ना हीरो के तौर पर लॉन्च करेंगे। 15 को सिनेमा की ओपनिंग है, अपने गांव से मैं सबको बुला रहा हूँ, वही बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यार सुपर्ब, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। हां, फिल्म का नाम क्या है? सिनेमा का नाम बंगारू भूमि। कैप्शन, आरामदायक स्वर्ग। अरे भाई रो मत यार, मैं तो बस यूं ही जोक कर रहा था। सिनेमा का नाम है मैं आ रहा हूँ। रास्ता बंद है, चलिए चलिए आप लोग उधर से जाइए जाइए। अरे सुबह जाते समय खुला था, अभी रात को आते समय बंद क्यों हो गया? हमारे गांव का रास्ता बंद करने वाला तू कौन है? ए, चलो। अरे रुको, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? जिसे देखना है उसे देख लेंगे। चलो 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 साहब, चलो चलो। पूरे एरिया में वेंटर डाल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा ना। अरे ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? नमस्ते इंस्पेक्टर जी, हम लोग मंत्री जी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते नारायण स्वामी जी, कैसे हो रामराजू? बस आपकी कृपा है। नमस्कार, परसों ही सोच रहा था कि गांव में जाकर तुम लोगों से मुलाकात करूं। किस रास्ते से आएंगे सर? मिलने का मन हो तो कोई भी रास्ते से आ जाएंगे रामराजू। हमारी आंखों के सामने जो गांव है, यहाँ आने के लिए हमें पूरे देश में घूम करके आए ऐसा लग रहा है हमें। अच्छा वो? अरे वो नेशनल पॉलिसी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिसी है। आजकल दुनिया कितनी आगे जा रही है रामराजू, तो हमारा देश कैसे पीछे रहेगा? कहीं और पैदा होने वाले कॉटन जी गोदावरी पर ब्रिज बना के लाखों लोगों को उन्होंने जिंदगी दी, और हमारे गांव पर बॉर्डर लगाकर आप किसी और को समर्थन देने की सोच रहे हैं। हम इस जमीन में पैदा हुए और बड़े हुए हैं, इसीलिए जमीन के लिए खड़े रहेंगे। Oh!
तुम तीनों के इस गांव के लिए बोझ बन गए थे, हमें अपने दिल में रखा था, अब इस गांव के लिए तुम अकेले बोझ बन गए थे क्या? अरे राम राज, घर का बड़ा अगर गुजर गया तो वो घर बर्बाद हो जाता है, तुम अकेले वहां पर गए और अपनी जान गंवा दी। एक बार आंख खोल के देख लो ना। मैजिक सारथी जी, नमस्ते। वो अपने आप को बहुत शाना समझता था, कबूतर की तरह उड़ गया है, डर के मारे लाइन में खड़ा हो गया है, अब अंगूठे पे साइन होगा। ले लो, आओ इधर चलो। रोड के बगल में पार्क जेसीबी को भैया ने कैसे ठोक दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है। हाँ यार सूरी, गांव में जो हुआ वो देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तू बिल्कुल सच कह रहा है। ए सूरी, भैया की मौत की वजह मैं अब ढूंढ के रहूंगा और उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, उनके खूनियों को हम छोड़ेंगे। सुनो मेरी बात, सच में तुम्हारे भाई की मौत के पीछे कोई साजिश है तो तुमने अगर किसी को मार दिया तो उनकी मौत का कोई भी मायने नहीं रह जाएगा। इस जमीन पर भरोसा करके यही हमारा आधार है, यही हमारी जिंदगी है, ये सोच के तुम्हारे भाई से उम्मीद लगाने वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो भगवान जैसे आदमी को मार दिया, हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उन्हें? तुम्हारी तरह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्या ये सब करने पर न्याय मिलेगा? तुम खुद ही न्याय कर लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सर का टाइम चाहिए, चार दिनों तक खाली नहीं, क्या क्या सिंगल पेमेंट भेज दो, बाद में देखते हैं। भाई क्या लोगे बताओ, टी कॉफी? अबे घर में तू अकेला नहीं है, यहाँ पर चाचा चाची भी हैं, मेहमान नवाजी बहुत हो गई, शांति से बैठ जा। बैठना यार। अपू तुझे पता है हमारे गांव से हमें भगा देने की साजिश चल रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है यार, और इस समस्या पे मीडिया फोकस कर ही नहीं रही है। हाँ लकली तू फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन गया है, बस दो दिन अगर तू हमारे सपोर्ट में हमारे साथ बैठ गया ना तो मीडिया सिर्फ तुझे ही फॉलो करेगी और हमारी समस्या का समाधान भी निकल आएगा यार। क्या कहा, दो दिन? सर का टाइम दो घंटे के लिए भी खाली नहीं है। रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात वो नहीं है, मुझे भी आने का मन है, हिंदी में ऋतिक रोशन की तरह तेलुगु में मुझे भी ओवरनाइट स्टारडम मिल गया है, 10 प्रोड्यूसर्स को मैंने कॉल शीट दिया है, मुझ पर करोड़ों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उनका तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। जैसे उनका नुकसान नहीं करवाना यार, तू बस दो दिन के लिए आ जा, सपोर्ट करके फिर तू चले जाना। मैं आकर तेरी बगल में बैठूंगा तो मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी यार। अबे कौन सी इमेज, हम तुझे मंदिर में डाका डालने को नहीं बोल रहे हैं, इमेज का बहाना बनाकर तू हमें टाल रहा है। ये क्या, एक स्टार को बेइज्जत कर रहे हो क्या? तुम खुद को क्या समझते हो? सर के पास टाइम नहीं है, सुनो किसी सस्ते आर्टिस्ट को पकड़ो, सर का बजट ना तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा है। ढक्कन, अच्छे लोगों का नाम लेने की औकात नहीं है तेरी, दोबारा नाम लिया तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? चल निकल। ए लचो, मेरे ही घर पे आकर मेरे ही मैनेजर पर हाथ उठाया तूने? आज तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा स्टारडम और तेरा एटीट्यूड बोल रहा है तुझे। तो मैं एक दिन लचू, हम किसी को कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ना ही डिमांड कर सकते, ना विनती कर सकते, जो जिसको करना है वो करे, जो हमारी किस्मत में होगा वो होके रहेगा। चल चलते हैं, चलो। ए, मिट्टी और इंसान में क्या रिश्ता होता है तुमको पता नहीं है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में रहेंगे, हमें इसकी अहमियत पता है, तुम यहीं रहो और हीरो बनकर विलन की हरकत करो, यह अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे। सूर्या ने अगर तुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो कहीं सड़क पर पड़ा होता तू। मम्मी ऐसे मत बुलाओ, माँ बुलाओ, मम्मी कब की मर गयी,
इतने सालों से इस मिट्टी की सुगंध नहीं पता थी। तुम्हारे दिए पैसे से खुश हो गए थे। हमें गांव वालों ने गलती का एहसास कराया। उन गांव वालों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। चलो जी। उसे हटाने से इतिहास बदलता है, उसे हटाना ही होगा। नीला, युवक, सफेद, शांति, भूमि, माता, जीवन, आजादी। हमारे पेड़ों को अगर ठेस पहुंचेगी तो युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। इतने निडर इंसान और हिम्मत वाले रामराज जी का मर्डर हो गया तो डरकर हमने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन आप लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमारे हाथ से जमीन चली गई तो ऐसा लगा कि हमारी माँ चली गई। आप लोग कुछ भी करके हमारी जमीन हमें वापस करवा दीजिए। ये मिट्टी का क्या मामला है भाई? ये लड़के सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिट्टी को पैकेट में बांध कर मिठाई की तरह बांट रहे हैं सभी लोगों को। इन्हें अगर रोका नहीं जाएगा तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यूथ है, आइडेंटिटी क्राइसिस ज्यादा है, वो बड़े इमोशनल फूल्स है, इनसे कुछ नहीं होगा। यू डोंट वरी, मैं देख लूंगा ना। नो नो, डोंट अंडरएस्टिमेट देम। सच्चाई और गर्म खून इसी उम्र में दिखाई देता है। उन लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है शायद। हमने सब कुछ लीगल ही किया है ना? लीगल ही है, पर इलीगल तरीके से किया। सरकार ने घोषणा की हुई है कि इस सीज में कंपनी खोलने वालों को ही किसानों को मना कर जमीन खरीदनी पड़ती है, पर आपने क्या किया, हमें बीच में रखकर किसानों को डरा कर उनके पास से कम दाम में जमीन खरीद ली। ये बात अगर बाहर पता चल गई सर तो वहाँ की जनता सबसे पहले मुझे ही मारेगी। पहले तुम फिर पीछे हम लोग, मरेंगे सभी लोग ना। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं, वो यूथ है, भस्म कर देंगे। डीएसपी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए, कम से कम 2 या 3। सो जा। स्पॉट पे पहुंच गया सर। यंगस्टर्स, हाउ आर यू? ये क्या, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया है? ये क्या, अब यहाँ पे चूहों के साथ सुअर भी फसल खराब करने आ गए? अगर तुम लोगों को पकड़ लिया ना तो तुम्हारा कीमा बना देंगे। वैसे इस खेत का और आपका कोई संबंध ही नहीं है। ये देखिए, नो सॉलिसिटिंग, मतलब यहाँ पे आपकी विनती नहीं सुनी जाएगी। नो लॉयटरिंग, आपका जिस जमीन से कोई संबंध नहीं है वहाँ पे घूमना मना है। एंड नो ट्रेसपासिंग, अनुमति के बिना प्रवेश करना मना है, ये कानून है। कौन सा कानून सर? डरा धमका के जमीन मालिक से जमीन खरीदी गई है और अब आप ये फेंसिंग कर रहे हैं। हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानते। कम ऑन, चार्ज। ए,
मुझे भूल जाइए, उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे गांव वालों की मिट्टी को मत भूलिएगा। ऐसा उसे सबक सिखाना उसको। फायरिंग स्टार सूर्यकांत, रियल हीरो। भले ही मन के अंदर ज्वाला फूट रही हो, हंसने को कहा तो हंसता है। अंदर से भले ही जोर जोर से हंसी आ रही हो,
लेकिन रोने को कहा तो रोएगा। ये रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो बस रियल हीरो है। रियल हीरोज हमारे गांव के श्रीरामपुरम में हैं, वहां हो रहे जमीन की लड़ाई में युद्ध कर रहे हैं, उनमें मेरी माँ भी शामिल है। इतनी सी जमीन ना होते हुए भी मिट्टी के और इंसान के रिश्ते को बचा कर रखने के लिए एक वीर सैनिक की तरह संघर्ष करते हुए कुछ पल पहले ही मेरी माँ ने अपनी जान गंवा दी है। सर प्लीज प्लीज मुझे 5 मिनट्स बात करने दो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मेरी माँ ने जिसके लिए जान की कुर्बानी दी है उसके लिए लड़ने का मैंने निर्णय लिया है। वो समस्या सॉल्व होने के बाद ही मैं लौट कर आऊंगा। अब आप फिल्मों में काम नहीं करेंगे सर? सिर्फ सिनेमा ही दुनिया नहीं होती, इस लड़ाई के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। गो अहेड। थैंक यू सर। उसमें एक जलती हुई आग है, अपनी पहली फिल्म में ही चमकने वाला सूर्य एक किरण है। अबे श्रीरामपुर का एहसान उतर पाएगा क्या? माँ की मृत्यु उसके दिल में दुख बनकर, शिव जी का शंख बनकर, एक सैनिक की तरह सेज के नाम से अपराध करने वाले बड़े व्यापारियों के दिल में शेर बनके चला है ये राइजिंग स्टार सूर्यकांत, जो अब सबके दिलों में छा गया है। सूर्यकांत एक ऐसा हीरो है जो सबसे बढ़कर है। हीरो नहीं, विलेन की एंट्री। हेलो। ओके सर। ए, ये क्या नॉनसेंस हरकत है? रोड के बीच में चल रहे हो, तुमसे कह रहा हूं। चाचा जी ये लीजिए, लीजिए चाचा जी। आज श्रीरामपुरम में जो पुलिस फायरिंग हुई है उसमें हमारे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार सूर्यकांत जी की मां श्रीमती पुष्पावली जी की जान चली गई है। इसके अलावा सूर्यकांत जी की हत्या करने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। धन्यवाद किशोर, हॉस्पिटल से लाइव अपडेट्स देते रहिए। अभी के ताज़ा समाचार ये है कि सूर्यकांत की हत्या करने की कोशिश करने वाले को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में वो व्यक्ति मीडिया से बात कर रहा है। मैंने ही उसे मारा, मैं उसे मारना चाहता था। मेरी बहन से प्यार करके धोखा दिया उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी मौत मेरे हाथों से लिखी गई है। खबरदार फायरिंग स्टार। डैमेज होने के कारण सर्जरी करके टांके लगाए हैं, पर अभी थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है। 24 घंटे तक अभी और कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। पेशेंट आईसीयू ऑब्जर्वेशन में है। हमारा 5 स्टार आ गया है। सूर्यकांत के फैंस के लिए एक खुशखबरी, डॉक्टर ने बताया है कि वो अब खतरे से बाहर हैं। पापा मुझे भूल जाओगे तो कोई परवाह नहीं, हमारे गांव की मिट्टी को मत भूल जाना, यही कहकर तुम्हारी माँ ने मिट्टी दी है। मैं अलग नहीं हूं और ये मिट्टी भी अलग नहीं है, ये कहकर मेरी माँ ने मेरे लिए भिजवाई है। इस मिट्टी के लिए युद्ध कर रहे मेरे
सारे दोस्तों को ये बताने के लिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ये जो युद्ध चल रहा है ये इनके लिए नहीं, हमारे लिए और हमारी आगे की पीढ़ी के लिए है। ये बात जब तक मुझे पता चली मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी देख नहीं पाया। अभी मैं हाथ पैर हिला सकूं इतनी शक्ति अगर मुझे मिल गई तो मेरा पहला कदम बढ़ेगा श्रीरामपुरम की तरफ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं असमर्थ बन गया हूँ। भाई आप अकेले नहीं है भाई, आपके पीछे आपके हजारों फैंस हैं भाई। जो काम आप करना चाहते हो वो हम करेंगे भाई, आपके लिए जान दे देंगे भाई, जान दे देंगे भाई, हमारे भाई जिंदाबाद। कानून के हिसाब से अगर गलती दिखाई दे तो सरकार को ही नहीं उस भगवान को भी यहां बुला सकते हैं। तुम्हारे खेत को सरकार ने नहीं खरीदा, एक व्यक्ति ने खरीदा है, मिस्टर पार्थ सारथी उर्फ मैजिक सारथी। ये क्या, सूट बूट पहन के गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ घूम रहा था वो? ये कोई बड़ा ऑफिसर है ऐसा सोच रहे थे हम लोग? उसने तुम सभी किसानों को वो मैजिक सारथी ने धोखा देकर गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में रख के तुम्हारे एक एकड़ जमीन सिर्फ 3 लाख में खरीद के 20 लाख में बेचता है। ये मैजिक सारथी हवा को भी पॉकेट में डाल के बेच सकता है, कानून को भी पकड़ में ना आए ऐसा व्यवहार करता है। उसने जो पेपर बनाए हैं उसमें मैं तो क्या, वो ऊपर का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। इस परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दूंगा, उसने समझदारी से सरकार का नाम लेकर तुम लोगों के साथ जो अन्याय किया है उसे तुम लोग किस भाषा में जवाब दोगे, सोचो। ध्यान दिया क्या, ध्यान दे रहे हैं क्या? 2 मिनट बात करने वाला हर हिंदुस्तानी 20 अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करता है, मतलब इतने सारे हिंदी शब्द अपना अस्तित्व खो रहे हैं। दुनिया में जो भाषाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं उन भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी है। जर्मनी की एक संस्था ने रिसर्च करके बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। तुम्हारे नेताओं के हिसाब से मैं अपनी मातृभूमि को सलाम करता हूं। मेरी तरह के विचार रखने वाले युवा, इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब किसी तरह का डर नहीं है, मेरे पीछे आप और आपके पीछे मैं, बस इसी विचार से हमें आगे बढ़ना है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति, मेरी ट्रस्ट का नाम सुनते ही लोग मेरा नाम उछाल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं 50 लाख आप लोग को डोनेट करता हूँ। कहाँ, यूसीएफ बैंक में डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा ना? उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हमारी भाषा हमारी संस्कृति, तूने जो कहा ना उसका परिणाम मुझे अच्छे से पता है। पहले काम शुरू कर, चुपचाप काम चालू कर, बैठ।
जय हे जय हे हाँ जय हे हम राज यहाँ पे करेंगे जय हे दिल से हाँ दिल से हम जीतेंगे अब दिल से कफन बांध निकले हम आए मुश्किल अब कोई आए जितनी भी अड़चन लड़ने को है तैयार हम अब यारों दिल पे बोझ न लो बस इतना ही बोलूं जो भी चाहो हासिल कर लो बन जाएगा जीवन जय है हाँ जय है हम राज यहाँ पे करेंगे दिल से हाँ दिल से हम जीतेंगे अब दिल से अब है जीवन का ये मंत्रम दिल में है अब जोश भरा भूमि को ना छोड़ेंगे हम हमने है संकल्प लिया अपनी तकदीर लिखेंगे हम कोई हमको ना रोके हम बन जाएंगे विश्व रूपम हमको ना कोई टोके यारा बे आ मिल के चल दे जो भी आए हार वो जाए हम मिलके अब तो लड़ेंगे कहता है अब अपना ये मन तो आए अब कोई आए सामने ना टिक पाए हमें तो लड़ना है अब तो यही बस अपना है नारा हम तो हैं एक दूजे का सहारा अब सुधारेंगे हम ये जीवन कर लिया सबने है ये प्रण चल पड़ो आगे बढ़ो मिलकर अब सभी देखिए सर, सर सर ये युवा लोगों ने मुझे अरेस्ट करके गन पॉइंट पे रखा है सर व्हाट डू यू मीन तुम्हें अरेस्ट किया है हाँ सर देखिए सर कल जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आपको अब हमारे ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को यहाँ पर लेकर आना ही होगा तुम लोग बुलाओगे तो कमिश्नर आ जाएंगे क्या ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अगर ह्यूमन के बुलाने पर नहीं आएंगे तो क्या जानवरों के बुलाने पर आएंगे उन्हें बोलिए आना पड़ेगा तो पूरे राष्ट्र के सरकारी काम अचानक से रुक गए हैं गवर्नमेंट से संबंधित सारे सर्वर डाउन हो गए हैं पूरा नेटवर्क हैकिंग का शिकार हो गया है ऐसा समाचार आ रहा है इसके पीछे कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है बड़े अधिकारियों ने ये काम साइबर पुलिस को दे दिया है नमस्कार बेहतर समाज के लिए लड़ने वाला टीवी 9 एक नया इतिहास बनाने वाले युवक के बारे में एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है हमारा चैनल टीवी 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से ग्लोबलाइजेशन के नीचे कुचले जा रहे गाँव के दिल से निकला हुआ तिरस्कार ही है ये हमारा युवा राज्य देश की सरहद पर हमारी रक्षा के लिए सैनिक जिस तरह पहरा दे रहे हैं उसी तरह ये युवक भी हमारे अस्तित्व के लिए हमारे संस्कार की रक्षा के लिए हथियारों के साथ ऐसे ही पहरा दे रहे हैं ये लड़के युवा राज्य नाम का सेज की घोषणा करके कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है सेल्फ एम्पावर्ड जोन है मतलब स्वयं सशक्त क्षेत्र है ऐसा सेज का एक नया मतलब का आयोजन किया है इनके मदद के लिए पूरे राष्ट्र से युवक आकर सरकार के सर्वर्स को वेबसाइट को हैक करके उनके काम को रोक रहे हैं यहाँ पे जो भी लड़के हैं उन्होंने लगभग 100 पुलिस वालों को अपने कस्टडी में ले लिया है इन लड़कों की डिमांड पर अभी थोड़ी ही देर में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर इस जगह पे पहुंचकर पंचायत मीटिंग करने वाले हैं उनके साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों को भी आना पड़ रहा है आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट पता लगाए पुलिस वालों को अरेस्ट करके सच्चे इंसान होने के बावजूद आपको यहाँ बुला के पंचायत की मीटिंग रखने की डिमांड की ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहते हैं सर अरे फ्लैश बंद करो यार मुझे अपनी आँखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है पहले जो काम करना है वो करते हैं चलो नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते प्यास बुझाइए अपनी प्यास बुझाइए हाँ ये लीजिए आहा प्यास बुझ गई भाई
एक तरफ मेहमान नवाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून को बंधक बनाकर न्याय मांग रहे हैं। आपका युवा भारत और नया भारत कुछ भी हो, लेकिन कन्फ्यूजन क्या है? हाँ सर, कन्फ्यूजन नहीं है सर। हम सोचते हैं कि हम एक ही भारत देश में हैं, लेकिन अभी दो भारत देश दिखाई दे रहा है सर। एक भारत देश में आम आदमी सिर्फ अपना जीवन जी रहा है, दूसरे भारत देश में नेता व्यापारी आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ खाते ही जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, यही कंफ्यूजन है सर। हमारे हक की रक्षा करने की बजाय विकास के नाम पर हमारी ये सरकार मासूमों पर लाठियां चलाकर उनका खून बहा रही है। ये हमारा देश है या किसी और का देश है, हमें ये जानना है। हमें कौन बताएगा सर? क्या डायलॉग मारा भाई, सॉफ्टवेयर की नौकरी चली गई और गांव में जो मिला उसे मार के शहर भगाना चाहते हो। बेकार का व्यापार करके आईपी लगा के अचानक से स्टार बनने वाला एक है बेचारा, हवा में मेडल फेंक के खुद हवा में उड़ने वाला एक है। तुम सब मिलकर सेज को दूसरे आईने में दिखा के मासूम किसानों को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ सर, वो मासूम ही है, अन्नदाता की तारीफ करके उनके पास जो है सब लूट के तुम्हारे लोग जो फैक्ट्री बनाने वाले हैं उसके सामने किसानों को गेट कीपर बनाना चाहते हैं ना। सच में वो मासूम है सर। तुम्हारी बात सुनकर हमें हंसी आ रही है भाई। इन गांव वालों को लेकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी योजना में सफल हो जाओगे? अरे दुनिया के बीच के सरहद को मिटाकर तुम लोग पूरी दुनिया को छोटा सा गाँव बनाना चाहते हो क्या? ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया एक गांव बन जाएगी, मैंने ऐसा सोचा था, पर पूरी दुनिया के चोर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मंत्री जी, बेवजह में उनके मुंह लग रहे हैं आप, अभी मैं बात करता हूँ, देखते जाइए। सुनो बच्चों, बड़े होने के नाते बोल रहा हूँ, सुनो। कानून मतलब होता है पिता, न्याय मतलब माता। उनके गौरव को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, वरना सब बर्बाद हो जाओगे। इस देश में आधी से ज्यादा जनता खेती करके जी रही है, अगर उन्हें अपनी जिंदगी जीने नहीं दोगे तो वो खेती करने वाले औजारों को अपना हथियार बना लेंगे और तब होगी आपकी बर्बादी। वुमेन राइट्स कमिश्नर के सामने हथियार और बर्बादी कह के चिल्ला रहे हो आप? चुपचाप क्यों देख रहे हैं सर? इट्स ए लॉ एंड ऑर्डर इशू, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट देख लेंगे इसको, बस 5 मिनट लगेगा ठीक करने में। आप हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर की नज़र से देखते हैं, समस्या वहीं पर शुरू होती है। इन लोगों की तकलीफ को देखकर उसका अच्छे से समाधान करने की जिम्मेदारी आपके सरकारी अधिकारियों की है। यस सर, आप जो कह रहे हैं वो सच है, इसलिए तो विकास करने के लिए प्रांत में ऐसा अनाउंस किया। ये काम बहुत अच्छा हुआ सर। एक तरफ हजारों करोड़ों खर्च करके प्रोजेक्ट बना के बेकार जमीन को खेती के लायक बनाएंगे कहते हैं, और दूसरी तरफ हरे भरे खेतों को बर्बाद करके विकास के नाम पर जमीन पानी हवा सभी को प्रदूषित करते हो। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए टेस्ट ट्यूब में अनाज पैदा करने की परिस्थिति पैदा करेंगे क्या? हमारे नए राज्य में सुनार, कुम्हार, धोबी, नाई, मछुआरे, किसान, मजदूर, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक साथ रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे देश, विचार और व्यवहार को बदलना होगा। हम अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। समझ गए? साहब, नेता और सरकार, ऑफिसेज में बैठे अधिकारी, न जाने कितने व्यापारी, अपने फायदे के लिए जो यहाँ पर शूट आउट हुआ है, इस मिट्टी में मिले उनके खून शायद दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, पर हम सबके दिल में अभी भी वो आग जिंदा है, और उसे देखने के लिए कोई ईसीजी या फिर एक्सरे की जरूरत नहीं है। किसी इंसान के सामने गौरव देना ही उसका संस्कार है, और वो आपके अंदर भी है ऐसा हम मानते हैं। आपके बच्चों की तरह हमें करोड़ों की जरूरत नहीं है सर, हमें बस आपसे सच्चा प्यार चाहिए सर, एक भ्रष्टाचार रहित समाज चाहिए सर, बस इतना ही निवेदन है सर। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, बस आपके फैसले का इंतजार है। यह इंसान के हक को बचाने की समस्या है सोचकर आया था, लेकिन यह समाज और संस्कृति को लेकर उसकी समस्या का प्रश्न है। हमारा कल्चर है एग्रीकल्चर, यही ईमानदार कल्चर है, यही बात ये लड़के हम बड़ों को समझा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, शाबाश। सोयल इज द लॉस्ट होप कहते हैं, मिट्टी ही इंसान की आखिरी उम्मीद है। उसी मिट्टी को बर्बाद कर दोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। हमारे भारत की आत्मा को खड़ा करना ही असल विकास है, इसीलिए ऐसे ही युवाओं का राज हमारे देश में स्थापित करने के लिए मैं अपने सरकार को सूचित करता हूँ। आपके इस सपोर्ट के कारण ही उस दिन ये लोग राज्य हासिल कर पाए।
पूरी दुनिया अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की भाग दौड़ कर रही है, पर इन्होंने पर कैपिटा हैप्पीनेस को लक्ष्य बनाकर हासिल किया। इनके सांस लिए गए हवा में प्रदूषण नहीं है, इनके पिए गए पानी में अपवित्रता नहीं है, उगाई हुई फसल में कोई मिलावट नहीं, स्वास्थ्य ही धन है इस कहावत का पालन करते हुए इन लोगों ने भारतीय संस्कृति का मान रखा। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए? धन्य पुकारे